फ्रेंड्स आप लोग कैसे, मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक है। फ्रेंड्स आप सभी का वेलकम है, स्वागत है इस्तकबाल टेक्निकल फरीद चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सिंपल पे लेटर ऐप के बारे में। दोस्तों सिंपल पे लेटर ऐप के अंदर आप अपना आईडी, अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, सिंपल पे लेटर के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, इसी के बारे में आज का ये वीडियो है। दोस्तों सिंपल पे लेटर, जैसे कि आप नाम से ही मालूम पड़ता है, पे लेटर का मतलब है कि बाय नाउ पे लेटर। पे लेटर जितने भी एप्लीकेशन और ऐप और प्लेटफॉर्म्स और सारी चीज़ें जो वेबसाइट वगैरह होता है, तो इसका मतलब ही और इसका मकसद यही है कि दोस्तों आपको कुछ बैलेंस दिया जाता है, कुछ क्रेडिट अमाउंट आपको दिया जाता है आपके ट्रांजेक्शन के, आपके ऑनलाइन जो है ना लेन देन के बेसिस पे आपको जितना भी अमाउंट, जितना भी क्रेडिट बैलेंस आपको दिया जाता है, उस बैलेंस को आप ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करने में जो है ना उसको आप पे कर सकते हैं, उसको पेमेंट करके आप अपना ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने पास जो है ना पैसे नहीं होते हैं और फिर हमको जो है ना कोई चीज़ अर्जेंट हो जाता है खरीदना, अर्जेंट हो जाता है एकदम से लेना, तो फिर ऐसी सूरत में, ऐसी कंडीशन पर हमारे पास पैसे नहीं होने की बिना पर उस चीज़ को हम खरीद नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे मौके पे, ऐसे कंडीशंस पे आपका जो है ना ये पे लेटर एप्लीकेशन, पे लेटर प्लेटफॉर्म्स के अंदर अगर आपका रजिस्ट्रेशन है, अपनी आईडी बना रखे, अपना अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं, तो आपको जो भी क्रेडिट बैलेंस आपको इसमें मिला रहता है उस बैलेंस को भुगतान करके आप वो सामान उस टाइम पे खरीद सकते हैं। बाद में चल के जो पे लेटर का जो आप बैलेंस यूज करेंगे, पे लेटर का जो क्रेडिट अमाउंट आप जो पे करके कोई भी सामान खरीदेंगे, फिर दोबारा से आपको एक टाइम दिया जाता है, एक डेट दिया जाता है कि भाई आप जो ये पैसा खर्च किए मेरे इस आपके क्रेडिट अमाउंट से, आपके पे लेटर ऐप से, तो दोस्तों आपको उस अमाउंट को, उस बैलेंस को दोबारा से जो है ना 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर आपको पे कर देना, दोबारा से दे देना है पे लेटर प्लेटफॉर्म्स को, पे लेटर जो है ना एप्लीकेशंस को। तो दोस्तों आज इसी में से एक जो बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार जो पे लेटर प्लेटफॉर्म्स है जो उनमें से दोस्तों एक है सिंपल पे लेटर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको यही सिंपल पे लेटर के बारे में बताऊंगा, सिंपल पे लेटर एप्लीकेशन के बारे में जानकारी दूंगा कि आप इसके अंदर अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे, अपनी आईडी कैसे बनाएंगे, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कैसे करेंगे, और इस तरह से दोस्तों सारी चीजें एक एक करके थोड़ा सा शॉर्ट में आपको रिव्यू दूंगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, अपना फोन में, अपने डिवाइस मोबाइल में सिंपल पे लेटर एप्लीकेशन को अपने फोन में डाउनलोड इंस्टॉल कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैं डाउनलोड कर रखा हूं, इंस्टॉल कर रखा हूं, देख सकते हैं आप ये इस तरह से। आप चाहे तो आप क्या करेंगे, यहां से ये करेंगे प्ले स्टोर में चले जाएंगे, और प्ले स्टोर में जाने के बाद आप सर्च बार में लिखेंगे सिंपल पे लेटर, सॉरी सिंपल, यहां पर सिंपल आप लिख दीजिए, यहां पर स्पेलिंग देख लीजिए आप, सिंपल लिख दीजिए और उसके बाद पे भी लिख दीजिए आप, ठीक है, फुल नेम लिख दीजिए यहां पर ऐप का, और यहां पर देखिए सिंपल पे। उसके बाद क्या करेंगे, यहां नीचे देखिए सर्च का बटन है, सर्च के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है। सर्च के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहां पे देखिए सिंपल पे लेटर का ये ऐप, ये लोगो, ये आइकॉन इस तरह से आप देख सकते हैं, यहां पे इसका जो है ना रिव्यू देख सकते हैं, इस जगह में नीचे भी इस तरह से देख सकते हैं। यहां पे जैसे कि आप देख सकते हैं मैं ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल कर चुका हूं, तो यहां पे ओपन का बटन शो रहा, तो मैं यहीं से ओपन कर लेता हूं इसको। ये ओपन करने के बाद जस्ट आपके सामने इसका इंटरफेस, इसका लुक कुछ इस तरह से आपके सामने शो होगा, इस तरह से आपके सामने जो है ना दिखेगा, यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। ये जैसे कि आप इसके ऐप से जो आपको क्रेडिट अमाउंट मिलेगा उसको आप जो है ना, ये देखिए बाय नाउ पे लेटर का यहाँ पे शो हो रहा है, बाय नाउ यानी अभी खरीदिए, पे लेटर यानी बाद में पे कीजिए, नीचे प्रोसीड का बटन है, प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर देंगे। प्रोसीड के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए आप जो बैलेंस आप यहाँ पे आपको मिलेगा, पे विद वन टैप योर ऑर्डर विल बी प्लेस्ड इंस्टेंटली, यानी एक ही क्लिक पे आप जो है ना क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कंपनीज ब्रांड्स आपको मिल जाएगा, कोई भी कंपनीज और कोई भी ब्रांड से आप अपना सामान, अपनी चीजें खरीद सकते हैं, परचेजिंग कर सकते हैं, इसके अंदर जो भी क्रेडिट अमाउंट, जो भी बैलेंस आपको मिलेगा उस बैलेंस को पे करके। नीचे देखिए गेट स्टार्टेड का बटन है, ऑन बिल इन 15 डेज, वन बिल इन 15 डेज, यानी कि 15 दिन के अंदर अंदर आपको दोबारा से इसको क्या करना है, पे कर देना है। नीचे मैंने गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक कर दिया, जैसे आप गेट स्टार्टेड के ऊपर क्लिक करेंगे, एंटर योर मोबाइल नंबर टू गेट स्टार्टेड, आपको इसके अंदर अपनी आईडी, अपना अकाउंट क्रिएट करने के लिए मोबाइल नंबर एंटर करके गेट ओटीपी के ऊपर क्लिक कर देना है। गेट ओटीपी के ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे चार डिजिट का, चार नंबर, चार संख्या का एक ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहां पे एक एक करके फिल कर देना है, भर देना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर का वेरिफिकेशन कर लेना है, सक्सेसफुली कर जो है ना वेरीफाई हो जाने के बाद आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा, यहां पे लेट्स कंप्लीट योर केवाईसी, यानी क्या बोल रहा है कि चलो अब अपना केवाईसी कंप्लीट करते हैं। तो दोस्तों मोबाइल नंबर जो ऊपर देख सकते हैं वेरीफाइड है ऑलरेडी, यहां पर उसके बाद फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंटर कर देंगे, आपका जो भी फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, उसके बाद जेंडर आप यहां पर एंटर सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आप है मेल है फीमेल है, उसके बाद ईमेल एज ए पर योर बैंक रिकॉर्ड्स, यानी यहां पे जो ईमेल एड्रेस, ईमेल आईडी एंटर करेंगे, फिल करेंगे, वो ईमेल एड्रेस फिल करेंगे जो ईमेल एड्रेस आपके बैंक से लिंक है, बैंक के अंदर है। उसके बाद यहां पे इसको आई एग्री कर लेंगे, उसके बाद चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर क्लिक कर देंगे। चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे आपके ईमेल आईडी पे चार डिजिट का, चार नंबर का ओटीपी चला जाएगा, उस ओटीपी को आप यहां पे क्या करेंगे, फिल कर देंगे, भर देंगे। जैसे ही आप अपने अपना इस ओटीपी को यहां पे फिल कर देंगे दोस्तों,
तो आपका जो है ना अकाउंट, आपका आईडी जो है ना वेट लिस्ट में चला जाएगा, या हो सकता है कि आपका अकाउंट सक्सेसफुली क्रिएट हो जाए और आपको क्रेडिट अमाउंट जस्ट मिल जाए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अपना आईडी बनाने के बाद, रजिस्ट्रेशन करने के बाद, हमारा चेकअप करने के लिए, रिव्यू करने के लिए और सारा हमारा वेरिफिकेशन करने के लिए हमको जो क्रेडिट अमाउंट दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, कितने के लिए हम एलिजिबल हैं, कितना हमको 500 रुपये मिलेगा कि 1000 रुपये मिलेगा कि 1500 मिलेगा, जैसे कि मैंने आपको बताया इस सिंपल पे लेटर में आपको 25,000 रुपये तक मिलेगा, जिसको आप जो है ना अपना शॉपिंग वगैरह करने में जो है ना कभी कभी मुसीबत के वक्त में अर्जेंटली आप जो है ना ये कर सकते हैं, ठीक है। बाद में चल के आपको जो भी पैसे का शॉपिंग वगैरह करेंगे वो पैसा क्या हो जाएगा दोस्तों, बाद में आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है, बाद में आपको वो पैसा दे देना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे देखिए, हे फरीद, वी हैव एडेड यू टू आवर वेट लिस्ट, यानी हमारा ये जो अकाउंट है, ये जो हमारा रजिस्ट्रेशन है, ये हमारा वेट लिस्ट में जो है ना एडेड कर चुका है, एड कर दिया गया है। तो अब नेक्स्ट आपको मैं थोड़ी सी देर के बाद बताता हूँ दोस्तों। उस टाइम हम जो अकाउंट क्रिएट किए थे, रजिस्ट्रेशन किए थे, तो हमको जो है ना वेट लिस्ट में ऐड किया गया था। अब हम थोड़ा सा 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद, या कभी थोड़े दिन के बाद आप चेक करेंगे तो आपको जो है ना दिखने मिलेगा कि आपको क्रेडिट कितना मिला। जैसे यहाँ पे ये ऐप है, सिंपल पे ऐप, इसको मैंने ओपन कर लिया। जस्ट ओपन करने के बाद अब मैं देख लेता हूँ दोस्तों, अब यहाँ पे मुझे क्रेडिट मिलेगा, कितना क्रेडिट मुझे मिला हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मुझे जो क्रेडिट मिला है वो यहाँ पे देखिए 1500 रुपये का, यानी 1500 रुपये का ये जो मुझे क्रेडिट मिला है। तो 1500 रुपये कभी भी मैं अर्जेंट में, कभी भी किसी भी तरह कोई भी शॉपिंग वगैरह करने में इस 1500 रुपये से जो इस 1500 रुपये को खर्च कर सकता हूँ, यानी कि ये 1500 रुपये को देकर मैं कोई भी शॉपिंग, कोई भी ऑनलाइन खरीदारी, कोई भी ऑनलाइन सामान जो है ना हम जो है ना अपने घर में ऑर्डर कर सकते हैं, और जो भी सामान ऑर्डर करेंगे वो हमारे पास आ जाएगा। और फिर इसमें से ये 1500 रुपये पूरे खर्च कर दीजिए, या इसमें से कुछ पैसे खर्च कीजिए, जितना भी पैसा आप खर्च कीजिएगा वो पैसा फिर से आपको से इस सिंपल पे लेटर को वापस करना पड़ेगा, सिंपल पे लेटर को आपको देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन इस सिंपल पे लेटर के बारे में जो मैंने आपको बताया। मुझे आशा है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे पसंद आए लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन के ऊपर क्लिक करके ऑल के ऊपर भी प्रेस कर दें, और हाँ फ्रेंड्स, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। और आपके मन में किसी भी तरह का कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों अगर आप मेरा ये वीडियो फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें। इंस्टाग्राम पर देख रहे तो आप मुझे फॉलो करें। सोशल मीडिया, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, मेरा प्रोफाइल, मेरा अकाउंट में देख रहे हैं तो आप मुझे वहां पर भी लाइक करें, फॉलो करें, वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू वेरी मच।